हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर चैनल लेट्स नर्चर आवर माइंड्स। हम बात कर रहे हैं बच्चों के पेरेंटिंग के बारे में, बच्चों को कैसे बड़ा किया जाए ताकि वो एक रिस्पॉन्सिबल सिटीजन बने और बहुत अच्छे नागरिक बने। तो हमने टॉडलर से स्टार्ट किया, प्री स्कूल हो गया, अब आती है बारी स्कूल जाने वाले बच्चों की, यानी कि 5 से 12 साल के बच्चे, क्योंकि टीनेज की बात हम अलग से करेंगे। तो 5 से 12 साल का बच्चा, अब बच्चा जो है वो आप से कुछ घंटे दूर रहा करेगा, जितने घंटे वो स्कूल में रहेगा। 8 बजे जाएगा, 1 बजे आएगा, 2 बजे आएगा, जैसा भी स्कूल होगा। तो ये ड्यूरेशन में, क्योंकि बच्चा आपके पास नहीं है, अब तक आप टॉडलर को भी बिल्कुल पूरी तरह आप देख रहे थे, उसके बाद प्री स्कूल को भी आप पूरी तरह देख रहे थे, अब बच्चा बाहर जाएगा, बाहर के लोगों से मिलेगा, बाहर के बच्चों से मिलेगा, तो उसको कुछ एक चीज़ से पहले ही इन एडवांस उसको अवेयर करवाना बहुत ज़रूरी है, ताकि उसे खुद को ही पता हो कि क्या सही है और क्या गलत। तो सबसे पहली तो बात आती है कि आपका बच्चा स्कूल जा रहा है तो उसको कुछ एक चीज़ें समझाएं। बच्चों के साथ मिलके रहना है, बच्चों के साथ कैसे अपना लंच शेयर करना है, लंच अपना पूरा खा के आना, ये चीज़ें, ये बड़ी कॉमन सी चीज़ें, हर कोई बताता है, हर कोई इन चीज़ों को समझाता है, लेकिन फिर भी आपको ये चीज़ रिमाइंड करवानी ज़रूरी है। दूसरी बात ये कि बच्चे को आप कभी भी हर बात पे गुस्सा ना करें, क्योंकि और फिजिकल पेरेंटिंग तो बिल्कुल भी सही नहीं है, मतलब पीट पीट के सुधारना तो बिल्कुल भी सही नहीं है। उसमें क्या होता है कि आपने घर में बच्चे को गुस्सा किया, वो जाके स्कूल में बच्चों के साथ दंगा मस्ती करेगा, झगड़ा करेगा, लड़ाइयाँ करेगा, क्योंकि वो बच्चा आपको पलट के कुछ नहीं कह सकता, बहुत छोटा है वो, तो गुस्सा कहाँ निकालेगा, वो आपका गुस्सा वो कहीं और निकालेगा, और वो उदंड हो जाएगा, मिसबिहेव करेगा, और एक बार मिसबिहेव शुरू करेगा तो बच्चे भी उससे कतराने लगेंगे, टीचर्स भी उसको अच्छा नहीं समझेंगे, तो उस बच्चे का नुकसान होगा। तो इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है कि फिजिकली आप उसको हर्ट ना करें, बल्कि समझाने की कोशिश करें। आपका बच्चा जब स्कूल में किसी दोस्त के साथ खेलने के लिए जाना चाहता है, दोस्तों के साथ खेलना है उसने, तो कोई बात नहीं, खेलना है। अगर वो किसी के घर जाना चाहता है तो भी आप उसको भेज सकते हैं, वैसे कोशिश तो करें कि प्ले ग्राउंड में ही खेल लें सब लोग, लेकिन अगर जाना चाहता है तो जहां भी वो जा रहा है उसके उस फैमिली के बारे में आपको पूरा नॉलेज होना चाहिए, पूरा पता होना चाहिए कि आपका बच्चा जिसके साथ खेल रहा है वो लोग कैसे हैं, कैसा उनका बिहेवियर है, कैसा उनका नेचर है, तभी उसको वहां जाने दें। इस चीज़ का भी बच्चे पर असर पड़ता है। आप उसको 1-2 दिन भेजेंगे, फिर आपको लगेगा कि नहीं 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 ये तो गलत चीज़ सीख क्या, और अगले दिन मना करेंगे तो बच्चा उससे नाराज़ होगा, क्योंकि बच्चा कंफ्यूज हो जाएगा कि कल तक भेज रहे थे, आज नहीं भेज रहे, क्या हुआ, बच्चे को नहीं समझ। तो ये सब चीज़ें आप पहले से ही पता करके और बच्चे को वहीं जाने दें जहाँ सही है, जहाँ सही नहीं है वहाँ ना जाने दें। एक और काम हम करते हैं कि बच्चे को, आजकल की जो सोसाइटी में इतना कुछ गंदा हो रहा है, जो हम न्यूज़पेपर में रोज़ पढ़ते हैं, जो हम न्यूज़ में सुनते हैं, लड़कियों के साथ भी होता है और लड़कों के साथ भी होता है, तो हम वो डेंजर्स की बात करते हैं, ऐसा हो जाएगा, ऐसा हो जाएगा, तो बच्चे को डराते रहते हैं। इसके बजाय ये ज़्यादा अच्छा है कि बच्चे को ये समझाएं कि आपकी इंस्टिंक्ट क्या बोलती है, आप उस हिसाब से काम करें, क्योंकि बच्चे को खुद भी पता चल जाता है कि कुछ ये यहाँ मैं बात कर रहा हूँ कुछ गलत है, और स्पेशली तब गलत है आप बच्चे को समझाएं कि अगर कोई आपसे ये कहता है कि घर में जाके मम्मी से ये मत बताना या पापा से ये मत बताना, तो वो बात तो जरूर वो आपको आके बताए कि ऐसी बातें अगर आपको कोई बोलेगा तो इट मीन्स दैट पर्सन इज नॉट गुड एंड यू हैव टू टेल ईच एंड एवरीथिंग टू मी और टू पापा। क्यों, और आप उस बच्चे को साथ में ये भी समझा दें कि ऐसे कोई लोग अगर कहते हैं कि अगर बताया तो फिर देखना क्या होगा, तो आप उसको ये भी समझा दें कि कोई आपके पापा इज अ सुपरमैन एंड ही कैन चेक द रॉन्ग पर्सन इमीडिएटली। बच्चे में ये हौसला होना चाहिए कि अगर मैंने अपने पापा से ये बात कही जिसकी मेरे को किसी ने धमकाने की कोशिश की है, तो तुरंत वो एक्शन लेंगे और तुरंत उसको ठीक कर देंगे। जब बच्चा अपने आप को पावरफुल फील करेगा तब वो खुशी खुशी सारे काम करेगा। तो ये बच्चे को एक आदत आपने डालनी है। आप बच्चे को डराने के बजाय ये सिखाएं कि एनी पार्ट अंडर योर स्विम सूट इज टोटली योर्स एंड नो वन एल्स कैन टच इट। ये उसको पक्का आप बता दें, ताकि अगर कभी कोई ऐसे टच करने की कोशिश करता है तो तुरंत वो आके आपको बताए। उसके अंदर एक जजमेंटल स्पिरिट आप पैदा करें कि वो जज कर पाए सही क्या है गलत क्या है।
और ये कब होगा, जब आप उसके साथ बैठ के उसके हर एक बात को सुनेंगे, उसके साथ बात करेंगे, और जब आप उसके साथ बात कर रहे होंगे तो उसका आपने सुनना ज़्यादा है और आपने अपना बोलना कम है। मतलब बीच बीच में उसको टोकना नहीं, अरे ये ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए था, ऐसा नहीं, ऐसा करना चाहिए, पूरी उसकी बात सुनो, उसको पूरी बात बताने दो जितनी वो बताना चाहता है। उसके बाद आपने जहां उसको करेक्ट करना है, बाद में आप थोड़ा बहुत उसको बताओ, करेक्शन वहां पर करो। तो इस तरीके से उसमें एक आदत पड़ेगी कि वो बिल्कुल हिचकिचाएगा नहीं, जो भी बात होगी वो आपको तुरंत आके बताएगा और आप तुरंत उस पर एक्शन लेके उसकी मदद कर पाएंगे। भूल कर भी टीचर, ये टीचर की बुराई अपने बच्चे के सामने मत करो, क्योंकि वो टीचर है। बेशक कई बार लगता है कि नहीं वो टीचर अच्छा नहीं है, अगर आपने ऐसी बात अपने बच्चे के सामने बोल दी तो वो रिस्पेक्ट खो देगा टीचर के लिए, और फिर उसके पढ़ने में डिस्टर्बेंस आएगी, इससे उसके ओवरऑल बिहेवियर में भी डिस्टर्बेंस आएगी। तो इन चीज़ों का आपने ध्यान रखना है। बच्चे को हमेशा ये फील करवाएं कि यू आर वेरी गुड, यू आर वेरी पावरफुल, और आप जो कुछ हमें कहोगे हम आपकी तरह आपके हिसाब से करेंगे। फिर उसको उसमें करेक्शन करने की कोशिश करो। बच्चा या तो देखो मिसबिहेव करता है कि उसे पता ही नहीं होता और मिसबिहेव कर जाता है, या होता है कि उसे पता है लेकिन वो अपने गुस्से को कंट्रोल नहीं कर पाया, या उस वो मिसबिहेव करता है क्योंकि वो किसी की परवाह ही नहीं करता। इन तीनों ही कंडीशन में उसको समझाने के तरीके तीन होंगे, एक ही तरीके से सारी चीज़ों को आप नहीं समझा सकते हैं। बच्चे के सामने एग्जाम्पल सेट करना होगा, आप अपने से बड़ों से कैसे बात करते हैं, आप अपने से छोटों से कैसे बात करते हैं, वो देख के सीखेगा। कई बार क्या होता है कि हम बच्चे को जैसे सिखाते हैं, अच्छा आप प्लेग्राउंड में जा रहे हैं स्विंग के लिए, अपनी लाइन बनाओ, लाइन में देखो, लाइन में खड़े रहो, अपनी बारी, अपनी टर्न की वेट करो, और हम क्या करते हैं उसको गाड़ी में लेके जा रहे हैं, रेड लाइट अभी पूरी तरह खुली नहीं और हम भागते चले गए, ग्रीन लाइट की वेट नहीं की, या येलो लाइट पे भी हम भाग रहे हैं। तो बच्चा क्या सोचेगा, मुझे तो लाइन में खड़ी होने की बात कर रहे हैं और खुद ऐसे चल रहे हैं, तो कंफ्यूज होके वो फिर गलत काम करेगा। तो सेट एन एग्जांपल फॉर हिम। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हम जानबूझ के गलतियां नहीं करते, लेकिन हमसे गलतियां हो जाती हैं, अगर हम उनको थोड़ा सा इम्प्रूव कर लें तो बहुत ही अच्छी बात होगी। दोबारा रिपीट करती हूँ, बच्चे को आप जो बनाना चाहते हैं उसके सामने वैसा ही एग्जाम्पल सेट करें, अपने बिहेवियर को भी वैसा ही रखें, तभी बच्चा आगे बढ़ पाएगा और आपके हिसाब से ही बढ़ पाएगा। बच्चे को अपनी इंटेलिजेंस के हिसाब से काम करने दो, सिर्फ उसमें इम्प्रूव करने के लिए आप अपना सहयोग दो। तो ये कुछ एक चीज़ें हैं जो हर किसी को अपनानी चाहिए, क्योंकि बच्चे हमारा भविष्य है और भविष्य को उज्जवल करना सब किसी का को उसके लिए मेहनत करनी पड़ती है। तो आप भी अपनाइए इन्हें, मेरे साथ बने रहिए, और नेक्स्ट हम लेके आएंगे टीनेजर्स के बारे में। सब्सक्राइब कीजिए और हमें लाइक एंड शेयर जरूर कीजिए। थैंक यू।